चलिए आइए फ्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग सी ए इंटर कॉस्ट का दिवे जड़ी बूटी बुक का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में हम लोग हैं अभी तो मैं इंस्टीट्यूट मैट से ही रेफ़र कर रहा हूँ और ये जो इंस्टीट्यूट मैट है एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला है अगर आप पुराना मैट ले रखे हैं इंस्टीट्यूट से आया हुआ है तो आप लेटेस्ट मैट में आ जाएंगे क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें अलग हैं इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए मेरे साथ आगे बढ़िएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग इलस्ट्रेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको करा दिया था सो फॉर मेकिंग टेन के जी ऑफ केमको द स्टैंडर्ड मटीरियल रिक्वायरमेंट इज मटीरियल ये भी दिया हुआ है आठ के जी चार के जी लगता है छः और चार रुपए के हिसाब से ये टेन के जी के लिए दिया हुआ है टेन के जी ऑफ केमको मतलब ये टेन के जी फिनिश गुड्स है दिस इज टेन के जी फिनिश गुड्स ओके नाउ ड्यूरिंग अप्रैल थाउजेंड के जी ऑफ केमको वेयर प्रोड्यूस एक्चुअल ऑफ मटीरियल वेयर एक्चुअल कंजम्प्शन ऑफ मटीरियल इज एज अंडर वो आपको दिया हुआ है फिर मटीरियल ए भी है क्वान्टिटी मालूम है रेट पर के जी मालूम है क्वांटिटी मालूम है रेट पर केजी मालूम है सो so, आपको बोला है कैलकुलेट करो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस सिंपल है तो so, इसमें एज यूजुअल आपको कॉस्ट कार्ड बना लेना है नोट नंबर वन इसमें मुझे एनालिसिस ऑफ डेटा का जरूरत नहीं लग रहा क्योंकि डेटा बहुत अच्छे से ही एनालाइज़ करके दिया हुआ है पहला टेबल में स्टैंडर्ड है दूसरा टेबल में एक्चुअल है सो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट अगर हम लें तो क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट या प्राइस अमाउंट जो भी आप लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सो so दस के लिए आठ चार है तो हज़ार के लिए क्या होना चाहिए ए बी का आठ सौ चार सौ होना चाहिए है ना? फिर रेट क्या होगा छः और चार है फोर्टी एट हंड्रेड और सिक्सटीन हंड्रेड होगा साढ़े सात सौ और पाँच सौ सात और पाँच पच्चीस सौ और फाइव टू फाइव जीरो बारह छः हज़ार चार सौ सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व फिफ्टी और सेवन सेवन फाइव जीरो जो जो वेरिएंस पूछा है उसको निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ए और बी का अलग अलग भी कर सकते हैं कंबाइंड भी कर सकते हैं अलग अलग करेंगे तो अड़तालीस सौ माइनस फाइव टू फाइव ज़ीरो सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो दिस इज़ फोर फिफ्टी एडवर्स एंड दिस इज़ नाइन हंड्रेड एडवर्स दोनों मिला के आ रहे थर्टीन फिफ्टी एडवर्स अगर कंबाइंड करना होगा तो एक तरीका है कि दोनों का टोटल लेंगे सिक्सटी फोर हंड्रेड माइनस करेंगे सेवन सेवन फाइव ज़ीरो नंबर टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए और बी सिक्स माइनस सेवन इंटू सेवन फिफ्टी फोर माइनस फाइव इंटू फाइव हंड्रेड ठीक है सो so, ये आ रहा है सेवन फिफ्टी एडवर्स और ये आ रहा है फाइव हंड्रेड एडवर्स ट्वेल्व फिफ्टी एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस ए और बी 800 सौ माइनस साढ़े सात सौ इंटू छः रुपया और 400 सौ माइनस पाँच सौ इंटू चार रुपया ये आ रहा है तीन सौ फेवरेबल और ये आ रहा है चार सौ एडवर्स दोनों मिला के सौ एडवर्स ठीक है हो गया खत्म आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज मटीरियल एक्स इज सिक्सटी यूनिट्स एट द रेट फिफ्टीन रुपीज वाई है मटीरियल जेड है और ये कितने के लिए वन यूनिट बनाने के लिए ड्यूरिंग द मंथ हमने टेन यूनिट्स बनाए हैं और उसके लिए मटेरियल कितना लगा वो बता रहा है और बोल रहा है कैलकुलेट करो ऑल मटेरियल वेरिएंस ठीक है तो है तो आसान दोस्तों ऊपर में करते हैं आइए जैसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने आप करने का को कोशिश करो इसमें भी फिर से मैं एनालिसिस नहीं करूँ क्वेश्चन बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सीधा मटेरियल कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं अपने से जितना करोगे ना उतना आपका हिम्मत बढ़ जाएगा ठीक है वीडियो पॉज करो और अपने आप प्रेजेंटेशन बनाओ और करो एक सम भी राइट हो जाता है ना तो क्या होता है कि यू विल बी एबल टू रिटेन दिस सम फॉर एवर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और ये सम ये तो मेरे से हो गया था ऐसा होता है एक्स वाई जेड एक के लिए साठ तो दस के लिए छः सौ आठ सौ हजार हो जाएगा चौबीस सौ प्राइस पंद्रह दस बीस पच्चीस नौ हजार सोलह हजार पच्चीस हजार पचास हजार फिर छः सौ चालीस नौ सौ पचास आठ सौ सत्तर टू फोर सिक्स जीरो साढ़े सत्रह अठारह साढ़े सत्ताईस इलेवन टू हंड्रेड सेवेंटीन वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री नाइन ट्वेंटी फाइव इलेवन टू हंड्रेड सेवेंटीन वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री नाइन ट्वेंटी फाइव सब मिला के आ रहा है फिफ्टी टू 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 फाइव सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर मैं टोटल में कर दूं, सो ये आर ट्रिपल टू फाइव एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस अपने आप करो बहुत आसान है इतना बार कर लिए कि बस खाली देख देख के लिख रहे हैं So two point five into six forty sixteen hundred adverse nineteen hundred favorable two one seven five adverse one eight seven five adverse एम 600 छः सौ एडवर्स तीन हजार एडवर्स थ्री टू फाइव जीरो फेवरेबल यहां पे आ रहा है थ्री फिफ्टी एडवर्स दोनों को ऐड करेंगे ना तो ट्रिपल टू फाइव से मैच हो गया सो so ये हुआ हमारा एम सी वी एम पी वी एमयू वी क्वेश्चन में तो ऑल पूछा है तो मिक्स सील्ड भी निकालेंगे मिक्स वेरियंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ एक्स में टू फोर सिक्स ज़ीरो इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज़ सिक्स बाय ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स फोर्टी इंटू पंद्रह वाई में टू फोर सिक्स ज़ीरो इंटू एट बाई ट्वेंटी फोर माइनस नाइन फिफ्टी इंटू बीस जेड में टू फोर सिक्स जीरो इंटू टेन बाई ट्वेंटी फोर माइनस एट सेवेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव सॉल्व करके निकाल लो आंसर क्या रहा है टू फोर सिक्स जीरो इंटू सिक्स बाई ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स फोर्टी इंटू फिफ्टीन

नौ सौ फेवरेबल ठीक है नेक्स्ट इज नंबर फाइव एम वाई वी एम वाई वी में अगर हम कंबाइंड वे में करें तो आपको बताया ना शॉर्टकट होता है चौबीस सौ माइनस चौबीस सौ साठ इंटू पचास हजार बाई चौबीस सौ ट्वेल्व फिफ्टी एडवर्स इन दोनों को जोड़ेंगे ना मिक्स और यील्ड को जोड़ेंगे तो यूसेज आ जाएगा मैच हो रहा है देखो थ्री फिफ्टी एडवर्स आ रहा है चलो थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ गैप लिमिटेड गैप लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट विच इज़ मैनुफेक्चर विद इन अ सिंगल कॉस्ट सेंटर फॉलोइंग आर द डिटेल्स बजटेड डेटा में दो मटीरियल है इन ए बी टोटल है सौ लॉस है बीस आउटपुट एट्टी और एक्चुअल में भी एट्टी है वेरी गुड तब मगर कॉस्ट कार्ड बनाए तो मेरे को फिर से डायरेक्टली कॉस्ट कार्ड बनाने को मिल गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट अगर हम लिखेंगे क्वांटिटी प्राइस अमाउंट क्वांटिटी प्राइस अमाउंट सो ए है बी है दोनों एट्टी एट्टी के लिए ये भी एट्टी ये भी एट्टी है तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है ये सिक्सटी फोर्टी ट्वेंटी थर्टी ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड ये हंड्रेड ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड एक्चुअल में ये ए में सेवेंटी है ये प्राइस थर्टी है बाकी क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है वेरिएंस को यूज़ करके हम लोग को पहला उद्देश्य हो, होना चाहिए हमारा कि हम कॉस्ट कार्ड कैसे कंप्लीट कर लें ठीक है सो पहले हम लोग कॉस्ट कार्ड कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे फिर जो जो पूछा है वो सब बताएंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए का एक सौ है सो so, इसको नोट वन बोल देंगे आप अगर वर्किंग कर रहे हैं आप प्रेजेंटेशन तो ये नोट वन हो गया नोट टू में एम को यूज़ करेंगे एम पी वी ऑफ ए बोल रहा है 105 सौ एडवर्स सो ए का आप देखिए क्या क्या आपने को मिला हुआ है 20 माइनस ये प्राइस मिसिंग है एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 70 इज इक्वल टू माइनस वन सो एक्चुअल प्राइस क्या होगा 105 सौ पाँच बाई सत्तर प्लस ट्वेंटी करें ना तो ये आ रहा है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव ठीक है एक सौ पाँच ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव इंटू सत्तर करने से एक सौ पाँच एडवर्स आएगा एक सौ पाँच एडवर्स है ना तो ये माइनस बैठाना जरूरी होता है नहीं तो मिस्टेक हो जाता है ए का दिया हुआ आप ध्यान देना ए का स्टैंडर्ड प्राइस तो मालूम था एक्चुअल प्राइस आके ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव तो आप यहाँ पर बैठा सकते हैं तो सेवेंटी इंटू ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव कितना होगा दिस इज कमिंग वन फाइव जीरो फाइव ओके सो यूजिंग दिस नाउ अब हम लोग को बी का पता करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोल रहा है टू सेवेंटी फाइव एडवर्स है तो इससे क्या लग रहा है कि ये कंबाइंड होगा नोट थ्री में गए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टू सेवेंटी फाइव एडवर्स क्योंकि ए बी तो नहीं लिखा है ना तो कंबाइंड होगा सो so, ये वाला कितना है हम लोग को पता नहीं है ठीक है बट स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा माइनस एक्चुअल कॉस्ट करेंगे ना टू सेवेंटी फाइव माइनस आ रहा है सो स्टैंडर्ड कॉस्ट यदि चौबीस सौ है तो एक्चुअल कॉस्ट इससे निकल जाएगा यार है टू सिक्स सेवन फाइव उसमें से अगर पंद्रह सौ पाँच ए का है तो बैलेंसिंग फिगर बी का निकल जाएगा टू सिक्स सेवन फाइव माइनस पंद्रह सो पांच वन वन सेवन जीरो डिवाइड बाई थर्टी करेंगे तो ये थर्टी नाइन ये एक सौ नौ नाउ वंस कॉस्ट कार्ड इज कंप्लीट एनीथिंग यू कैन फाइंड अब आपको कुछ भी फाइंड करने का टेंशन नहीं लेना है एक्चुअली यू कैन फाइंड एनीथिंग थर्टी नाइन आने के बाद सब कुछ आ जाएगा तो एक्चुअल प्राइस ऑफ ए आ गया ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी आ गया थर्टी नाइन ठीक है तो आंसर जब एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो आप हो सकता है वर्किंग नोट से आंसर निकाल लिए बट पार्ट वन हेडिंग हो एक्चुअल प्राइस ऑफ मटीरियल ए आंसर ट्वेंटी ऐसे लिखोगे फिर प्राइस वेरिएंस पूछा है तो ए बी का अलग अलग निकाल के टोटल कर देंगे तो ए का तो पता ही है B का खाली निकाल के ऐड कर लो A का तो पता ही है आप फिर से निकाल सकते हो कोई ख़ास बात नहीं है मटेरियल प्राइस वेरियंस मान लीजिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ A में ये है ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव इंटू सेवेंटी एक सौ पाँच एडवर्स और B में ज़ीरो आ रहा है थर्टी माइनस थर्टी ज़ीरो और हाँ ऑफकोर्स खाली डायरेक्ट ज़ीरो नहीं लिखना है थर्टी माइनस थर्टी इंटू थर्टी नाइन करेंगे तो ये आपका एक सौ पाँच एडवर्स नेट में आ रहा है फिर यूसेज वेरियंस है यूसेज वेरियंस ये भी अलग अलग करेंगे तो सिक्सटी माइनस सेवेंटी इंटू ट्वेंटी सिक्सटी माइनस सेवेंटी इंटू ट्वेंटी और यहाँ पे क्या होगा फोर्टी माइनस थर्टी नाइन इंटू थर्टी फोर्टी माइनस थर्टी नाइन इंटू थर्टी सो ये टेन इंटू ट्वेंटी करके आ रहा है टू हंड्रेड एडवर्स वन इंटू थर्टी करके आ रहा है थर्टी फेवरेबल तो ये आ रहा है वन सेवेंटी एडवर्स फिर मिक्स वेरियंस पूछा है सो so, यहाँ पे आ जाते हैं मिक्स वेरियंस करने के लिए मटीरियल मिक्स वेरियंस में आ जाओ ए और बी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 109 सौ नौ इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है 60 और 40 तो 60 बाई हंड्रेड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 70 इंटू ट्वेंटी फिर उसी तरह से 109 सौ नौ इंटू 100 बाई हंड्रेड माइनस थर्टी नाइन इंटू थर्टी ये देखिए इससे क्या आ रहा है एक सौ नौ इंटू सिक्सटी परसेंट माइनस सेवेंटी इंटू ट्वेंटी ये आर है फोर्टीन हंड्रेड फेवरेबल फिर एक सौ नौ इंटू फोर्टी परसेंट माइनस ये रॉन्ग लिखा है ये आ रहा है नाइन्टी टू एडवर्स बार फिर से देख लेता हूं या दिस इज कमिंग नाइन्टी टू एडवर्स एंड दिस इज कमिंग वन थर्टी एट फेवरेबल फोर्टी सिक्स फेवरेबल इज द नेट फिगर और सब यूसेज में जाएंगे तो सब यूसेज इज़ नथिंग बट यील्ड वेरिएंस यील्ड वेरिएंस अगर मैं कंबाइंड वाला से करा दूं इंस्टीट्यूट का कंबाइंड से नहीं किया हुआ अलग अलग से किया और अलग अलग वाला फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया आपको ऑलरेडी यूसेज और मिक्स को माइनस करने से यील्ड वाला फार्मूला बनता है बट वो कॉन्सेपचुअली सही तरीका नहीं है कॉन्सेपचुअल तरीका है कि, कि कितना ओवरऑल यूज़ करना था और कितना ओवरऑल यूज़ किया है यानी हंड्रेड माइनस हंड्रेड एंड नाइन इन ट्वेंटी फोर हंड्रेड बाई हंड्रेड सर इससे मार्क्स मिलेगा तो देना ही पड़ेगा मार्क्स मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा भाई इंस्टीट्यूट है ना प्रैक्टिकल में ये नहीं बोलता है कि मेरा तरीका से ही करो थ्योरी में वो बोलता है मेरा तरीका से थ्योरी लिखो ऑडिट में नहीं मिलेगा अगर अपना मन से कुछ भी लिखाओगे तो ठीक है दो दो सौ सोलह एडवर्स और आप फोर्टी सिक्स फेवरेबल को माइनस करोगे ना ऑपोजिट एडजस्ट करोगे तो वन सेवेंटी आएगा हो गया क्वेश्चन भी खत्म क्वेश्चन नंबर थ्री इज आल्सो ओवर फोर को मैंने ऐसे सर्कल इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये नया क्वेश्चन घुसाया इंस्टीट्यूट अभी लेटेस्ट मैट में। और इसको करो वन किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायर्स टू केमिकल्स ए एंड बी द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट के फॉर द मंथ ऑफ जून ट्वेंटी एक किलोग्राम ऑफ़ के बनाने के लिए दो केमिकल लगता है उसका मिक्स दिया हुआ है फिफ्टी और फिफ्टी प्राइस दिया हुआ है बारह पंद्रह एक्चुअल इनपुट ऑफ बी है सेवेंटी एक्चुअल प्राइस ऑफ ए है पंद्रह नॉर्मल लॉस है दस परसेंट फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है यील्ड वेरियंस दिया हुआ है ये पिछले सम के जैसा ही है मिसिंग फिगर टाइप का तो करना क्या चाहिए पहले आपको अपना एनालिसिस ठीक से समझना चाहिए कि एनालिसिस ऑफ डेटा यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे बोल रहा है आ, आपका प्रोडक्ट के बनाते हैं हम लोग जिसमें केमिकल ए लगता है बी लगता है फ़िफ्टी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट इसका रेट दिया हुआ बारह और पंद्रह और नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस बोला टेन परसेंट इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हंड्रेड है तो ये फिफ्टी हुआ ये फिफ्टी हुआ इसमें से नॉर्मल लॉस यदि दस परसेंट हम हटा देंगे तो नाइन्टी आपका प्रोडक्ट के हो गया नाइन्टी के प्रोडक्ट के हो गया ये लेट करना पड़ता है और एक्चुअल में आपको ए और बी का इनपुट बोल रहा है इनपुट ऑफ बी इज़ सेवेंटी प्राइस ऑफ ए कितना है बोल रहा है पंद्रह ये नहीं पता ये नहीं पता फिर आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोला है वेरिएंस बोला है और बोल रहा है ये सब मिसिंग चीज बताओ ठीक है सो नोट नंबर टू में हम लोग क्या कर रहे हैं कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं कॉस्ट कार्ड में आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट बैठा के देखना पड़ेगा क्वांटिटी प्राइज़ अमाउंट क्वांटिटी प्राइज़ अमाउंट ठीक है सो यहाँ पर यह दिया हुआ है बारह यह दिया हुआ पंद्रह केमिकल ए बी का ये दिया हुआ पंद्रह ये दिया हुआ सत्तर अब सर आप क्वांटिटी क्यों नहीं बैठा दे रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे हम क्वांटिटी अभी इसलिए नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि मैं जानता नहीं कि ये जो डिटेल है वो कितना के जी ऑफ प्रोडक्ट के लिए ये अभी तक पता नहीं चला कोई वेरिएंस यूज़ करके देखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस उससे भी अभी काम नहीं हो रहा है यील्ड वेरिएंस 135 एडवर्स है तो यील्ड वेरिएंस से भी अभी मैं कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा मेरे पास ना टोटल ये पता है ये पता है तो ना मैं गिल्ड से काम कर पा रहा हूँ ना कर पा रहा हूँ उससे तो यहाँ पे सम करने के लिए सिंस एक्चुअल आउटपुट मिसिंग हो रहा है एक्चुअल आउटपुट मिसिंग हो रहा है तो एक बार एज्यूम करके देखते हैं कि ये भी नाइन्टी ही होगा एज्यूम कर रहे हैं और क्या करें अगर आप इनका सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें भी वही किया हुआ होगा अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना देखिए वो हंड्रेड इनपुट लेके जब सम कर, ले कर रहे हैं ना टोटल एक्चुअल इनपुट मालूम नहीं है बट इनपुट स्टैंडर्ड का हंड्रेड ही लेके कंपेयर कर रहे हैं इसका मतलब अज्यूम करें कि वो भी 90 होगा तो 90 के हिसाब से स्टैंडर्ड वाला 50 50 लेके 100 करके सम किया हुआ है उपाय नहीं है चलिए क्वेश्चन अपने से बनाया इसलिए इस तरह का बन गया नहीं तो आइडियली जो क्वेश्चन होता है वो पिछले वाला जैसा क्वेश्चन होता है जिसमें प्रॉपरली बता देना चाहिए था पचास पचास ये सौ मानना ही पड़ेगा नहीं तो सम नहीं रहा है ओपन नहीं हो रहा है थर्टीन फिफ्टी Okay, so using all this information, now let us break the first one, which is say material cost variance, which is given as 650 adverse. So, 650 adverse means what? Standard cost minus actual cost is equal to minus 650. Standard cost is 1350. So actual cost will come now. एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे दो हजार तो ये आ गया दो हजार कुछ तो सॉल्व हुआ ना नेक्स्ट यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है वन थर्टी फाइव एडवर्स तो यील्ड वेरिएंस आपका टोटल में दिया हुआ है देखना वर्ड टोटल लिखा हुआ है ये नेक्स्ट नोट हो गया मतलब नोट टू वो था तो ये नोट थ्री हो गया ये नोट फोर माना जाएगा यील्ड वेरिएंस देखिए टोटल में दिया हुआ है ना वन थर्टी फाइव एडवर्स इसको यूज करिए टोटल में दिया हुआ है तो so, टोटल वाला फार्मूला लगा लीजिए ना जो आपको मैं सिखा रहा हूँ शॉर्टकट बार बार टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज़ हंड्रेड माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सोच लो ये एक्स है ये ऐसे ही लिख देता हूँ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस विच इज थर्टीन फिफ्टी बाई हंड्रेड इज इक्वल टू माइनस वन थर्टी फाइव इफ़ यू सॉल्व दिस विल गेट एक्चुअल क्वांटिटी सॉल्व करो देखो कितना आ रहा 13 है वन थर्टी फाइव थर्टीन पॉइंट फाइव है इधर थर्टीन पॉइंट फाइव और वन थर्टी फाइव कटेगा तो टेन आ रहा है हंड्रेड एंड टेन खड़ा हो रहा है हंड्रेड एंड माइनस हंड्रेड एंड टेन इंटू वन थ्री फाइव जीरो बाई हंड्रेड येस इट्स कमिंग हंड्रेड एंड टेन आप सॉल्व करके देखिए ये हंड्रेड एंड टेन आ रहा है तो मैं यहाँ पे हंड्रेड एंड टेन बैठा दिया ये फोर्टी आ गया फिर ये सिक्स हंड्रेड आ गया तो ये सिक्स हंड्रेड आ गया तो ये बैलेंसिंग फिगर में फोर्टीन हंड्रेड आ गया ये ट्वेंटी आ गया पूरा कॉस्ट कार्ड बन गया एक बार कॉस्ट कार्ड बन गया अब जो पूछो सब आ जाएगा हम लोग को एक बार कॉस्ट कार्ड बन गया तो जो पूछो सब आ जाएगा ट्राई करो अब सारा वैल्यूज निकालने का टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछा आपसे जो जो पूछा है उस पर आंसर करो पहला टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस नंबर वन इसमें ए और बी है उसका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एक सौ दस इंटू फिफ्टी बाई हंड्रेड माइनस फोर्टी इंटू ट्वेल्व फिर एक सौ दस इंटू फिफ्टी बाई हंड्रेड माइनस सेवेंटी इंटू फिफ्टीन सो एक सौ दस इंटू फिफ्टी बाई हंड्रेड माइनस फोर्टी इंटू ट्वेल्व यार है वन एट्टी फेवरेबल टू ट्वेंटी फोर्टी फाइव एडवर्स सेकेंड पूछ रहा है टोटल वेरिएंस टोटल का सर कोई शॉर्टकट है, है बट ज्यादा शॉर्टकट दे नहीं रहा हूं आपको देने से क्या होगा आप यूज करने लगे और एग्जाम में पता चला नंबर नहीं मिलेगा रिस्क ले लेना अपने को जहाँ दिया है जितना उतना ही बहुत है फिफ्टी माइनस फोर्टी इंटू ट्वेल्व फिफ्टी माइनस सेवेंटी इंटू फिफ्टीन सो टेन इंटू ट्वेल्व करके वन ट्वेंटी फेवरेबल ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन करके थ्री हंड्रेड एडवर्स या वन एटी एडवर्स ठीक है? फिर पूछ रहे मटेरियल प्राइस वेरियंस भी बताओ टोटल एमपीवी। ए और बी प्राइस वेरियंस है ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन इंटू फोर्टी दोनों प्राइस को कंपेयर करके इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिर फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी इंटू सेवेंटी फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी इंटू सेवेंटी सो थ्री इंटू फोर्टी करने से वन ट्वेंटी एडवर्स फाइव इंटू सेवेंटी करने से थ्री फिफ्टी एडवर्स सो थ्री फिफ्टी और 120 जोड़ने से आ रहा है 470 एडवर्स ठीक है अगर आप प्राइस यूसेज को जोड़ देंगे ना क्रॉस चेक करते चलो ना 470 180 को जोड़ दीजिए दोनों एडवर्स है तो जुड़ जाएगा तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा जो दिया हुआ था 650 एडवर्स ठीक है मिक्स और यील्ड को जोड़िए फोर्टी फाइव एडवर्स और यील्ड यहाँ पे दिया होता 135 वन थर्टी फाइव एडवर्स तो यूसेज से चाहिए विच इज वन एटी एडवर्स ऐसे क्रॉस चेक हो जाता है और फिर ये सब एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट इसका क्या आंसर होगा एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट देखो आउटपुट तो हम लोग अज्यूम कर लिए ना कि आपका नाइन्टी आ रहा होगा यहाँ पे ये यह पूरा सम जो है ये इस इसम्पन पे बेस्ड है ये वाला कि यहाँ पर ये यह जो नाइन्टी है ये भी नाइन्टी रहा होगा ठीक है सो अगर आउटपुट नाइन्टी है आप इनपुट कितना लिए एक सौ दस एक सौ दस से नब्बे बनाए हैं तो इट इज़ ट्वेंटी के आपका लॉस हो गया एक्चुअल में फिर एक्चुअल इनपुट ऑफ़ ए आ चुका है तो बहुत पहले ही आ गया एक्चुअल इनपुट ऑफ ए है चालीस और एक्चुअल प्राइस ऑफ बी है बीस रुपये ये तो हो ही गया है ना सो so, मेरे हिसाब से खाली ये एक नया था और दूसरा इस सम में ये अजम्पशन का खेल था सो so, अकॉर्डिंगली ये सम थोड़ा सा बी कैटेगरी टाइप का सम था ये नहीं बोलूँगा सिर्फ छोटा सा ही ट्रिक था तो बी कैटेगरी का सम था देख लिया सब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो फाइव नंबर फाइव नंबर में बोल रहे फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट उसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है आपको टू यूनिट्स थ्री यूनिट्स फिफ्टीन यूनिट्स रेट दिया हुआ है ए प्रोडक्ट है मतलब एक यूनिट का होगा ये सब लग रहा है एक यूनिट का ठीक है आगे बढ़ते हैं ये फिर लेबर दिया हुआ है द कंपनी मैनुफैक्चर एंड सोल्ड सिक्स थाउजेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर मटीरियल कॉस्ट आपको फिर दिया हुआ है सिक्स थाउजेंड के हिसाब से और लेबर भी दिया हुआ है तो कंपनी वर्क सेवेंटीन फाइव हंड्रेड आवर्स ऑफ विच पच्चीस सौ ऑफ दीज आवर्स द कंपनी पेड एट ट्वेल्व रुपीज़ पर आवर वेल द रिमेनिंग द दजेज वेयर पेड एट द स्टैंडर्ड रेट ठीक है तो सत्रह पाँच सौ में माइनस पच्चीस सौ करके पंद्रह हज़ार का स्टैंडर्ड रेट पे, पे पेमेंट हुआ और पच्चीस सौ का पेमेंट बारह रुपये करके हुआ आपको क्वेश्चन खाली प्राइस यूसेज और रेट एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ रहा है तो कॉस्ट कार्ड यदि ढंग से बना लिया तो सम हो ही जाएगा कॉस्ट का ढंग से बना लिया तो सम हो जाएगा, तो जाएगा। आओ करो एनालिसिस का ज़रूरत नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेग्रीगेटेड है जब कुछ पैराग्राफ फॉर्म में और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में क्वेश्चन हो तब एनालिसिस ऑफ डेटा का ज्यादा जरूरत है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट मटेरियल। एक के लिए आपको दिया हुआ है दो तीन और पंद्रह तो छह हजार के लिए क्या होगा बारह हजार एबीसी है मटेरियल में ए बी सी छ हजार इंटू दो बारह हजार अट्ठारह हजार और नब्बे हजार बारह अठारह और नब्बे फिर है चार तीन एक ये आ रहा है फोर्टी एट फिफ्टी फोर नाइन्टी वन नाइन्टी टू ये है वन ट्वेंटी एक्चुअल में साढ़े बारह हजार अट्ठारह हज़ार और एटी एट फाइव हंड्रेड साढ़े बारह अट्ठारह एटी एट फाइव हंड्रेड साढ़े बारह अट्ठारह एटी एट फाइव हंड्रेड कर क्या रहा है एक लाख उन्नीस और रेट है फोर पॉइंट फोर टू पॉइंट एट वन पॉइंट टू टू पॉइंट एट वन पॉइंट टू करो 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 अपने आप करो अपने आप करो पचपन हजार पचास चार सौ एक लाख छः हजार दो सौ दो ग्यारह छः सौ वैसे लेबर का भी निपटा दो यहाँ पे एक यूनिट के लिए तीन घंटा है तो छः हजार यूनिट के लिए होगा अट्ठारह हजार घंटा आठ रुपया करके वन फोर्टी फोर फिर यहाँ पर अढ़ाई हज़ार और पंद्रह हज़ार अढ़ाई हज़ार का रेट है बारह रुपया और बाकी का रेट है आठ रुपया अढ़ाई हज़ार का रेट है बारह वाइल फॉर रिमेनिंग देर पेड एट स्टैंडर्ड रेट सो तो अढ़ाई हज़ार इंटू बारह करके तीस हज़ार पंद्रह हज़ार इंटू आठ एक लाख बीस दोनों मिला के एक पचास और दोनों आवर जोड़ दे तो सत्रह पांच सौ हो गया सो नाउ वॉट यू गॉट टू डू इज जस्ट फाइंड आउट द वेरियंस क्या क्या वेरियंस निकालना है मटेरियल का प्राइस यूसेज करो मटेरियल प्राइस वेरियंस ए बी सी कहाँ गई थी फोर माइनस फोर पॉइंट फोर इंटू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी में थ्री माइनस टू पॉइंट एट इंटू एटीन थाउजेंड वन माइनस वन पॉइंट टू इंटू एटी एट फाइव हंड्रेड पॉइंट फोर इंटू ट्वेल्व फाइव हंड्रेड करने से आ रहा है 5,000 हजार एडवर्स पॉइंट टू इंटू एटीन थाउजेंड करने से आ रहा है तीन हजार सौ फेवरेबल पॉइंट टू इंटू एटी एट फाइव हंड्रेड करने से आ रहा है एडवर्स. तीनों मिला के आ रहा है छब्बीस हजार तीन सौ एडवर्स नहीं गड़बड़ हो गया सत्रह सात सौ प्लस पाँच हजार माइनस छत्तीस सौ करने से नाइनटीन वन हंड्रेड आ रहे एमयू बी करें ए बी सी बारह माइनस साढ़े बारह इंटू चार अठारह माइनस अट्ठारह इंटू तीन नब्बे माइनस एटी एट फाइव हंड्रेड इंटू वन सो ढाई हजार इंटू चार करने से आ रहा है दस हज़ार एडवर्स जीरो फिफ्टीन हंड्रेड फेवरेबल साढ़े आठ हजार एडवर्स ये सॉरी मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे दो हज़ार है पाँच सौ इन टू चार दो हज़ार तो ये आ रहा है आपका पाँच सौ एडवर्स ठीक है बारह हज़ार माइनस साढ़े बारह में दस माइनस साढ़े बारह कर रहा था तो ये क्रॉस चेक हो जाएगा उन्नीस एक सौ प्लस पाँच सौ मिलाने से उन्नीस छः सौ आ रहा है अगर आप कॉस्ट वेनज निकाल के देखेंगे ना इन दोनों का कंपैरिजन तो उन्नीस छः सौ ही आ रहा है तो इस तरह से टैली हो गया फिर आ रहा है लेबर लेबर का एल और एल तो एल में आठ माइनस आठ तो कट गया आठ माइनस बारह हो जाएगा आठ माइनस बारह इंटू पच्चीस सौ तो चार इंटू पच्चीस सौ करने से आ रहा है दस हज़ार एडवर्स ठीक है और नेक्स्ट है एल ई में अठारह हजार माइनस साढ़े सत्रह हज़ार इंटू आठ अट्ठारह माइनस साढ़े सत्रह इंटू आठ करने से चार हजार फेवरेबल सो दोनों को नेट कर रहे तो छः हजार एडवर्स आ रहा है और यहां पे भी क्रॉस चेक करेंगे तो छः हजार एडवर्स मैच हो रहा है राइट right? सो so, इस तरह से ये भी सही सही हो गया ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ आप छः नंबर में सिक्स में आ जाओ सर्कल इसलिए क्या मतलब ये क्वेश्चन पहले नहीं था अभी नया नया डाला गया मैं लेटेस्ट ऐसे मैट से कर रहा हूँ हो सकता है आपके पास जो है वो पुराना मैट है आप कृपया करके मिला लेंगे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ नॉवेल एंड कमनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च मटीरियल परचेजड है कन्ज्यूम्ड है परचेज़ का रेट निकाला जा सकता है एटी एट थाउजेंड बाई ट्वेंटी करने से आ रहा है फोर पॉइंट फोर कंज्यूम्ड है नाइनटीन थाउजेंड एक्चुअल वेजेस पेड है फोर नाइन फाइव जीरो तो वेजेस का डिटेल है यूनिट्स प्रोड्यूज है स्टैंडर्ड रेट्स एंड पीसेज आर मटीरियल इन आउटपुट लेबर रेट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट यू आर यूरिक्वायर टू कैलकुलेट रेलिवेंट मटीरियल एंड लेबर वेरियंस फॉर द मंथ वो भी क्या हैपजर्ड क्वेश्चन है ठीक से स्टैंडर्ड एक्चुअल सजा के नहीं दिया तो इस तरह का क्वेश्चन में, में मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप पहले एनालिसिस ऑफ डेटा करो तो क्वेश्चन का फ्लो समझ में आएगा कि मटेरियल के हिसाब से स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है या फिर ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल के लिए क्या दिया हुआ है पढ़ो ठीक से स्टैंडर्ड में बोल रहा है दस नंबर फॉर वन यूनिट इसका मतलब हो रहा है कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए दस नंबर लगेगा टेन नंबर्स मतलब दस पीस लगेगा उसका रेट है चार रुपये और लेबर का देखो अढ़ाई घंटा पर यूनिट है तो टू पॉइंट फाइव आवर्स फॉर वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रेट उसका चार पर आवर है ये रहा चार रुपये पर आवर अब ये स्टैंडर्ड डिटेल ठीक से पढ़ लिया तो समझ में आ गया एक्चुअल के हिसाब से चलेंगे तो 1800 यूनिट्स हैं 1800 यूनिट्स के लिए मटेरियल कंज्यूम हुआ है 19000 हजार कंज्यूम्ड अगर मटेरियल का पकड़ें तो वैसे तो परचेज़ आपका ज़्यादा है विच इज़ 20000 थाउजेंड कंज्यूम्ड है उन्नीस हजार तो एक हजार स्टॉक में बच गया इसका रेट है एट द रेट फोर पॉइंट फोर एट द रेट फोर पॉइंट फोर और लेबर में लेबर में फोर नाइन फाइव जीरो आवर्स है। इसका अगर हम रेट निकालेंगे तो कितना आएगा यहां पे रेट निकालो तो ट्वेंटी फोर सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर नाइन फाइव जीरो करने जा रहा है पांच रुपया तो ये रेट बन रहा है एट द रेट पांच ठीक है तो ये रेट बन रहा है एट द रेट पांच अब इसके बेस पे अपने को क्या करने गए कॉस्ट कार्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल, एक के लिए दस है तो अठारह सौ के लिए अठारह हजार चार रुपए के हिसाब से सेवेंटी टू और एक्चुअल में परचेज़ हुआ है बीस हज़ार एट द रेट फोर पॉइंट फोर क्लोजिंग स्टॉक है एक हज़ार कंज्यूम्ड है उन्नीस हज़ार इस एक हज़ार का वैल्यूएशन हम लोग स्टैंडर्ड रेट पे करते हैं सिंगल सिंगल प्लान हो और पार्शियल प्लान हो आपको याद है क्या अगर हम पार्शियल प्लान फॉलो करेंगे तो पार्शियल प्लान फॉलो करेंगे तो एक्चुअल पे करेंगे और सिंगल प्लान फॉलो करेंगे तो स्टैंडर्ड पे करेंगे ये ध्यान है सो so, इस सब में यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा प्लान फॉलो हो रहा है तो एक बार देखेगा सॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहा है मेरा देखा हुआ नहीं है पहले से ऐसा नहीं कि मैं चीटिंग करके या पढ़ के आया हूँ नेचुरली पढ़ा रहा हूँ आपको उन्नीस हजार किया इसका मतलब ये लोग पार्शियल प्लान फॉलो किया अगर सिंगल प्लान फॉलो करेंगे ना तो परचेज़ प्राइस वेरिएंस, परचेज प्राइस वेरिएंस हम लोग फिर बीस हज़ार पे लेते हैं सो तो ये भी फोर पॉइंट फोर पे होगा पार्शियल प्लान एज्यूम करके हम लोग कर रहे हैं ठीक तो है तो उन्नीस हज़ार का एट द रेट फोर पॉइंट फोर अमाउंट कितना आएगा एटी थ्री सिक्स हंड्रेड आ रहे है इसी तरह से लेबर का एक के पीछे ढाई घंटा तो अट्ठारह सौ के पीछे कितना होगा साढ़े चार हज़ार आएगा रेट है चार रुपया के हिसाब से साढ़े चार हजार इन चार करेंगे अट्ठारह हज़ार फिर ये है फोर नाइन फाइव जीरो पाँच के हिसाब से ट्वेंटी फोर सेवन फिफ्टी ठीक है ट्वेंटी फ़ोर सेवन फिफ्टी फोर नाइन फाइव ज़ीरो पाँच के हिसाब से ट्वेंटी फोर सेवन फिफ्टी अब क्वेश्चन क्या मांगता है हम लोग से रेलिवेंट मटीरियल लेबर वेरियंस तो कर देंगे यहाँ तो मिक्सियड है ही नहीं तो मटीरियल का एम सी करो सेवेंटी टू माइनस एटी थ्री सिक्स हंड्रेड ग्यारह हज़ार छः सौ एडवर्स मैं बहुत स्पीड में करता हूँ एम पी वी चार माइनस साढ़े

6750 adverse labor rate variance char minus 5 into 4950 4950 adverse labor efficiency variance petal so minus 4950 into 4 taras so adverse फोर्टी नाइन फिफ्टी और अठारह सौ जोड़ लीजिए आप देखिए सिक्स सेवन फाइव जीरो आएगा और इसी के साथ पूरा खत्म क्लियर है सिक्स नंबर हो गया आइए हम लोग सेवन नंबर करेंगे एक्स वाई जेड कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर फैक्ट्री ओवर वेरिएबल ओवर पर यूनिट है दस रुपया फिक्स ओवर पर मंथ है एक लाख ये सब स्टैंडर्ड दिया हुआ है फिर क्या बोल रहे हैं कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज ट्वेंटी थाउजेंड एक्चुअल डेटा दिया हुआ है जिसमें एक्चुअल ओवर कंबाइंड है ठीक है और एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है पंद्रह हजार तो एक बार फिर से सेवन नंबर के लिए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस सेट करते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल ओवर पर यूनिट है दस रुपया राइट और फिक्स्ड ओवर पर मंथ है एक लाख रुपीज वन लाख आउटपुट है दो हज़ हजार बीस हजार एक्चुअल के हिसाब से टोटल ओवर है तीन लाख आउटपुट है पंद्रह हजार अब करना क्या प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस एओ माइनस बीओ वॉल्यूम वेरियंस इज कंपेरिजन ऑफ आउटपुट पंद्रह हजार आया जबकि आना था बीस हजार नुकसान हो गया तो नुकसान दिखाने के लिए पंद्रह माइनस बीस इंटू स्टैंडर्ड फिक्स पर यूनिट विच इज एक लाख डिवाइडेड बाई हजार सो पांच हजार इंटू पांच करे पच्चीस हजार एडवर्स आ रहे हैं फिर आ रहा है ओवर हेड एक्सपेंसिजंस ओवर का एक्सपेंस वेरियंस इसमें टोटल ओवरहेड पे जाना पड़ेगा आपको सो टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में वेरिएबल ओवरहेड का आएगा सिंस यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट के हिसाब से वेरी हो रहा है तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट और फिक्स्ड ओवरहेड का होगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अगर आप ब्रैकेट ओपन करके लेफ़्ट लेफ़्ट को ऐड करेंगे और राइट right राइट right को ऐड करेंगे तो बनेगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवर एड पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवर हेड ये पूरा लेफ्ट साइड ऐड होके आ गया और एक्चुअल वेरिएबल ओवर एड पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट हो गया एक्चुअल वेरिएबल ओवर हेड प्लस एक्चुअल फिक्स्ड ओवर एड करने से आ गया एक्चुअल टोटल ओवर हेड तो वैल्यू बैठा देंगे हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवर एड पर यूनिट है टेन एक्चुअल आउटपुट है हमारा पंद्रह हज़ार बजटेड फिक्स्ड ओवर है एक लाख और एक्चुअल टोटल ओवर दिया हुआ है तीन लाख पॉज करके अपने से करके चेक करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसे सोचोगे कि खड़ा खट -खड सर के साथ लिख ले तो सर तो स्पीड में लिखेंगे और सर को जल्दी जल्दी कराना है इसलिए ये क्लासेस करा रहे हैं मैं आपको कोई बैठा के एक एक सम समझाने नहीं आए सब क्लास में किया हुआ होता आप लोग का सेम सम तो ये आ रहा है डेढ़ लाख एक लाख ढाई लाख माइनस तीन लाख करने से पचास हजार एडवर्स गया ठीक है तो ये तरीका है टोटल ओवर एक्सपेंडिचर करने का प्रोडक्शन वॉल्यूम इज लाइक फिक्स्ड ओवर वॉल्यूम और ओवरहेड एक्सपेंस इज लाइक टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर तो इसके साथ सेवन नंबर भी हो गया है ना ओके okay. एट नंबर में आ जाओ अ कंपनी हैज़ अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ वन ट्वेंटी मशीन्स वर्किंग एट आवर्स पर डे फॉर ट्वेंटी फाइव डेज इन अ मंथ अंथ फिक्स इट्स फोर थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर टू मैनुफैक्चर वन यूनिट इज फोर आवर्स इस तरह का सेम सम समने पहले भी किए इलिस्ट्रेशं में इन द मंथ ऑफ अप्रैल द कंपनी वर्क ट्वेंटी फोर डेज ऑफ एट फोर्टी मशीन आवर्स पर डे एंड प्रोड्यूस फाइव थ्री जीरो फाइव यूनिट्स ऑफ आउटपुट एक्चुअल तो इस सम को कर पाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा नोट नंबर वन हम लोग लिखेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा आपको ऐसे लिखना है बजट और एक्चुअल फिक्स्ड ओवर बजट में 144 और एक्चुअल में हुआ 142 अमाउंट वाला 144 और 142 फिर आउटपुट फिर आ रहा आउटपुट आउटपुट बजट में नहीं दिया हुआ एक्चुअल में दिया हुआ फाइव थ्री जीरो फाइव एक्चुअल में दिया हुआ है फाइव थ्री जीरो फाइव ये सेम सम ही मेरे को याद आ रहा है इलस्ट्रेशन में फाइव थ्री ज़ीरो फाइव फिगर ही याद आ रहा है बट देखें तो फिर दो बार मेहनत क्यों करेंगे ये देखो क्या करता है ना अपने इंस्टीट्यूट सेम रजिस्ट्रेशन इलेवन हो गया ना वो फाइव थ्री जीरो फाइव से मेरा माइंड पकड़ लिया ठीक बट वापस थोड़ी ना करूँगा बट आप करो अपने आप पॉज करो अपने आप करो मेरा हो गया वन इज टू वन बोनसा सेम टू सेम है सेम टू सेम तो ये रिपीट हो गया सेम एज इलस्ट्रेशन इलेवन खलास नेक्स्ट ये वाला भी देखें तो ये सेम सम नहीं मिलेगा नाइन नंबर एकदम टेन के जैसा है पर थोड़ा सा फिगर चेंज है इलेस्ट्रेशन नाइन जो है ना ये इस वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नाइन था वो टेन के जैसा आप देखो मैच होता है है ना खैर करा देते हैं करना पड़ेगा आपको अपने आप तब फायदा होता है सेकंड लेवल है चलो नहीं हो रहा है तो सर के साथ लग के कर लिया ये बहुत इजी है करा देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट मालूम है प्रोडक्शन मालूम है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मालूम है तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम आपको चाहिए जैसे एक्चुअल आवर्स वर्क मालूम है ना तो आपको बजटेड आवर्स लगेगा दो हजार इंटू दस करके बीस हजार आ रहा है और फिक्सड ओवर एड कॉस्ट वेरियंस कैसे आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट यानी कि दस हज़ार इज़ फॉर टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड सो ये आ रहा है देखो पाँच इंटू इक्कीस सौ माइनस बारह हजार करके पंद्रह सौ एडवर्स एक्सपेंडिचर वेरियंस आ रहा है दस हज़ार माइनस बारह हज़ार खाली अमाउंट को कम्पेयर करना है दो हज़ार एडवर्स और वॉल्यूम वेरिएंस में आउटपुट कंपेयर करेंगे इक्कीस सौ माइनस दो हजार उल्टा होता है एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होने से फेवरेबल होता है फेवरेबल प्लस लाना है प्लस लाने के लिए इक्कीस सौ माइनस दो हजार इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट होगा दस हजार बाई दो हजार सो पांच इंटू सौ करके आ रहा है पांच सौ एडवर्स पांच सौ फेवरेबल सॉरी तो 2000 हजार एडवर्स और 500 सौ फेवरेबल से 1500 सौ एडवर्स आपका आंसर आ गया है ना क्रॉस चेक हो गया हो गया नाइन नंबर खलास ठीक है चलो आप, आप अपने आप भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करो जी यू शुड अटेम्प्ट समथिंग बाय योर ओन आल्सो एंड देन वी विल चेक रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस इन आवर नेक्स्ट क्लास और आगे का कराते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में आज रुक जाते इतना ही अभी इतना तक आप करो नेक्स्ट क्लास में फिर कैरी ऑन करेंगे हम लोग चलिए मिलते हैं थैंक यू